नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। जी, हम देखने वाले हैं कि कल बाजार कैसा रहेगा, 2 मार्च को मार्केट कैसा रहने वाली है। यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो चल ही रही है और अटैक्स बहुत तेज हो गए हैं और रशिया बिल्कुल किलिंग के मूड में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अमेरिका का अपना रिएक्शन आ रहा है, तो बाजार में कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी बनी ही हुई है। जब तक सीज फायर नहीं होगा, जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी, मार्केट का जो वोलेटिलिटी है वो ऐसा ही रहने वाला है। तो आपको जो भी मौके मिलते हैं प्रॉफिट बुकिंग के, आप प्लीज़ प्रॉफिट बुक करते रहिए, मेरी आपसे एडवाइस है। और अगर आपको लगता है कि आप एक्युमुलेट कर रहे हैं, तो एक्युमुलेट करने के लिए हमेशा से ऐसे सिनेरियोस परफेक्ट होते हैं। तो अगर आपकी साइकोलॉजी एक इन्वेस्टर वाली है, तो यहाँ पे एवरी डिप एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी। तो उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, सिल्वर और गोल्ड, इन सब के आप क्या लेवल्स हो सकते हैं, आप कहाँ कहाँ ट्रेड करते हैं। इसमें हम बैंक निफ्टी देखेंगे, निफ्टी फ्यूचर्स मार्च का देखने वाले हैं, गोल्ड को देखने वाले हैं, सिल्वर को देखने वाले हैं, क्रूड ऑयल को देखने वाले हैं। तो ये 5 चीज़ें हम कवर करने वाले हैं। इसमें कल के इंट्राडे के लेवल क्या हो सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट मेजर सपोर्ट्स हैं, कौन से मेजर रेजिस्टेंस हैं, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ अपनी स्टडी करके ही ट्रेड लीजिएगा। आपको अगर ये स्टडी से कोई हेल्प मिलती है तो आई विल बी रियली हैप्पी। और मुझे आप अगर मोटिवेट करना चाहते हैं इस मेरी मेहनत के लिए, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है, तो प्लीज़ पहले लाइक दबा दीजिए, फिर आगे बढ़ेगा। आपका लाइक दबाना सिर्फ 1 सेकंड का काम है, बट मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी आपको कल फिर से एक वीडियो तैयार करके देने के लिए। वीडियो बनाने बहुत मेहनत लगती है, बहुत स्टडी लगती है, बट अगर आप मेरी मेहनत को, मेरी स्टडी को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी वीडियो। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी। गाइस, अगर क्लियरली अगर देखने की कोशिश करें तो निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रही है, आपको साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो प्रीवियस सपोर्ट था वो टूट चुका है, एक नया सपोर्ट बाजार ने 16,200 के आसपास बनाया था, वहाँ से एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम दिखाई दिया। तो यहाँ पे कहीं बाजार ने हायर हाई हायर लो बनाया पिछले 3 दिन से, बट क्योंकि सिनेरियो खराब है, बाजार में अपॉर्चुनिटीज उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। बट हाँ, अगर आप ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल है, ऐसे में लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। बट फिर भी अगर 16,790 की हम क्लोजिंग को पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस निफ्टी का आने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, देख लेते हैं कि निफ्टी का क्या रेजिस्टेंस है, कहाँ हमें काम करना चाहिए, कहाँ नहीं काम करना चाहिए। तो प्लीज़ अपनी स्टडी के साथ ही इसमें काम कीजिएगा। तो यहाँ पे ये कैनवास आपके लिए रेडी है और निफ्टी के मेजर लेवल आपके सामने रख रहा हूं। तो यहां पे जो मेजर रेजिस्टेंस का काम करने वाला है, वो काम करने वाला है 16,900 का। जब तक बाजार 16,900 के ऊपर नहीं चलता, जब तक अब यहाँ पे ब्रेकआउट की तैयारी में नहीं हो सकते, यहाँ से बाजार एक अच्छे मोमेंटम में नहीं आएगा। 16,900 किसी वजह से अगर गैप से ऊपर खुलता है, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं, पर चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो 17,025 एक डेडली रेजिस्टेंस का अभी काम करने वाला है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और यहाँ पे 16,900 के नीचे में अगर हम सपोर्ट तलाशने की कोशिश करें, तो निफ्टी 16,793 के आसपास क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे 16,770 का खाली 20 पॉइंट नीचे एक सपोर्ट है, जो कल मॉर्निंग में खुलते ही टूट सकता है इस सिनेरियो में। और यहाँ पे अगर ये चीज़ टूट जाती है, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव निफ्टी लेने वाली है 16,641, और उसके बाद लेने वाली है 16,512। तो ये वॉच करना होगा। निफ्टी 16,400 के नीचे निकल जाती है, तो यहाँ से एक फिर से पैनिक सेलिंग आ सकती है। और ये वॉर सिचुएशंस की वजह से, डिस्क्लेमर है, वॉर सिचुएशन की वजह से, अगर वॉर सिचुएशन और ख़राब हो जाती हैं और चाइना या अमेरिका की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आती हैं, तो मार्केट को फिर से बाजार लेट हो सकता है। और जैसा हालात क्रूड ऑयल की दिखाई दे रही है, क्रूड ऑयल तो वॉर की वजह से बढ़ ही रहा है, सिल्वर में, गोल्ड में फिर से तेज़ी दिखाई दे रही है। तो ये सिनेरियो कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि इक्विटी अभी अंडर प्रेशर है और FIs लगातार निकल रहे हैं। तो 16,400 के नीचे मार्केट अगर ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हम जो एक मोमेंटम या स्विंग सपोर्ट देखने की कोशिश करेंगे, वो कहीं जाके 15,800 से लेके 15,500 के बीच में लेने की कोशिश करेंगे। तो आने वाले दिनों में अगर निफ्टी अगर ये सपोर्ट बना के घूमती है, तो यहाँ पे हम एक एक्सपेक्टेड बॉटम बनने की पूरी फेवरेबल चांसेस यहाँ दिखाई देंगे। तो प्लीज़ बाजार में बने रहिएगा, बाजार को क्रूशली और क्रिटिकली वॉच करने की यहाँ पे संभावना है। तो ये सपोर्ट रहे थे निफ्टी के, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में क्लोजिंग है 36,205 के आसपास की। अब यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 36,100 का है, जो मॉर्निंग में टूट सकता है, सिचुएशंस बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके नीचे एक झटके से जो सपोर्ट बनेगा या जो बैंक निफ्टी हिट कर सकती है, दैट इज 35,721। और उसके नीचे भी अगर मान लीजिए और प्रेशर रहता है बाजार, कल बहुत इंटरेस्टिंग, पहला आधा घंटा बहुत ही क्रूशियल रहने वाला है। तो यहाँ पे 35,532 के आसपास या 35,000
500 के आसपास हम सोचेंगे कि यहाँ कहीं रिवर्सल है क्या। अगर कोई रिवर्सल का साइन दिखाई देता है आप अपनी एनालिसिस चेक कर लीजिएगा, तो फिर यहाँ हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। एक स्विंग ट्रेड होगा, कम से कम 400 से 500 पॉइंट के लिए हम स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पे चांसेस है कि बैंक निफ्टी गैप से ही नीचे खुले, बाजार ठीक नहीं है। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी 35,500 से रिवर्सल करने की कोशिश करती है तो देखेंगे यहाँ पे कोई चांसेस अपने को बन रहे हैं नहीं बन रहे, पर फिलहाल के लिए 36,100 का एक क्रूशियल सपोर्ट है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी फेस करने वाली है 36,290, दिस इज़ दी मेजर रेजिस्टेंस। यहाँ पे अपर मूव अगर बैंक निफ्टी को बनानी तो 36,290 के ऊपर चले तो बाजार में हम तेजी की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं गोल्ड का क्या हाल रहने वाला है। गोल्ड की अगर बात की जाए तो गोल्ड का जो करंट प्राइस है वो 50,970 के आसपास अभी हाल फिलहाल चल रहा है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस गोल्ड फेस करने वाला है वो आने वाला है 51,076 का। इसके ऊपर चलेगी तो ब्रेकआउट फर्दर देखने को मिलेगा, उससे पहले एक अंडर प्रेशर रहेगा, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और नीचे में अगर आपको वापस से भाव 50,600 के आसपास में अगर दिखाई दे, 50,600 50,400 के बीच में गोल्ड मिलता तो यहाँ पे हम री एंट्री कर सकते हैं बाइंग के लिए, जिन लोगों के हाथ से ये रैली छूट चुकी है। बट फर्दर रेजिस्टेंस 51,076 के आसपास में इसके ऊपर चलता है तो फिर गोल्ड को 51,500 से लेके 51,700 के आसपास जाने से गोल्ड को कोई रोक नहीं सकता, एक अच्छा खासा तगड़ा सा ब्रेकआउट रैली इसमें आ सकती है। तो क्रूशियल पॉइंट टू वॉच आउट इज 51,076 और नीचे में जो सपोर्ट हाल फिलहाल रहेगा वो रहेगा 50,850 का। ये हमारा सपोर्ट रहने वाला है। प्लीज़ गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फोटो खींच लीजिए ताकि ये सपोर्ट अपने एनालिसिस से मैच कर सकें ट्रेड लेंस पर। चलिए देखते हैं सिल्वर में कैसे ट्रेड कर सकते हैं हम। दोस्तों सिल्वर और क्रूड को देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट रखिएगा, तभी आपको सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेंगे। और आप अगर मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट करके ही वीडियो में आगे बढ़ेगा ताकि मुझे भी आपके फीडबैक टाइम पर मिलते रहे। चलिए देख लेते हैं सिल्वर में हम कैसे काम कर सकते हैं। सिल्वर का अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 65,800 के आसपास, इसी रेंज में बाजार घूम रहा है। तो जो इमीडिएट सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेडिंग पॉइंट से बनता है वो 65,792 के आसपास में, मतलब 8 पॉइंट नीचे, तो इसको इग्नोर कर देता तो यहां पे बड़ा सपोर्ट जो निकल के आएगा 65,536 का एक सपोर्ट आएगा, तो इसको हमको इग्नोर करना होगा। दिस विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर ट्रेडिंग के लिए ये सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऊपर में जो रेजिस्टेंस सिल्वर फेस करने वाली है वो 36,049 का एक रेजिस्टेंस फेस करने वाली है। और गाइस मैं अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले पूरी मेहनत कर लेता हूँ, पूरे नोट्स बना लेता हूँ ताकि मैं वो नोट्स आपसे शेयर कर सकूँ। ये मैं अपने नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ और बिल्कुल क्लासरूम की तरह ही हो भी पसंद आ रहा होगा इस चैनल आपको। 66,049 एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, इसके ऊपर अगर वॉल्यूम बेस बाइंग आती है तो यहाँ पे सिल्वर को 66,564 और 66,825 तक जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो यहाँ पे मेजर लेवल टू वॉच आउट इज 65,536 एज अ सपोर्ट एंड 66,049 एज अ रेजिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए लेट अस सी हाउ क्रूड विल बिहेव। दोस्तों क्रूड ऑयल को देख लेते हैं, क्रूड ऑयल में पोजीशंस क्या बन सकती है जो भी कमोडिटीज का ट्रेड करना चाहते हैं। क्रूड ऑयल अभी चल रहा है 7583 जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे बहुत ही छोटा सा सपोर्ट है 7569 का, बहुत ही छोटा सपोर्ट। जैसे ये टूटेगा तो इसके नीचे हम 7482 और 7396 के लिए ये एक स्विंग ट्रेड अपने को मिल सकता है, बट दिस विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। रेजिस्टेंस जो क्रूड ऑयल फेस करने वाला है वो करने वाला है 7656 के आसपास में, एक टफ रेजिस्टेंस रहेगी। और अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाती है तो यहाँ पे क्रूड कैन इजिली हिट 7774 एंड 7832 के आसपास में ये टारगेट्स हो सकते हैं। तो गाइस आई होप गोल्ड सिल्वर निफ्टी कमोडिटी ये सब लेवल्स आपको पसंद आएंगे, अपनी एनालिसिस कर लीजिएगा ट्रेड लेने से पहले और ध्यान से काम कीजिए। अ पीस ऑफ एडवाइस इज कि कीप बुकिंग योर ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, जो लोग एक्युमुलेट कर रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, बाय ऑन एवरी डिप, गुड थिंग ओनली, ओनली अच्छे स्टॉक्स आप बाय करेंगे, कोई भी घटिया स्टॉक्स या मल्टी बैगर को ढूंढने के चक्कर में किसी पैनी स्टॉक्स में प्लीज मत जाइएगा, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स पे जाइएगा। क्योंकि बाजार गिरने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि कंपनीज बंद हो गई, बस ये सोच लिया जिस दिन आपको लगे बाजार से बाहर जाना है ये सोचना क्या टाटा बंद हो गई, क्या रिलायंस बंद हो गई, क्या स्टेट बैंक बंद हो गया, क्या आईसीसी बैंक बंद हो गया, या जो भी शेयर में आप काम कर रहे हैं क्या वो कंपनी बंद हो रही है। अगर वो बंद हो रही है तो आप बाजार से बाहर आ सकते हैं, नहीं तो ये एवरेज करने का एक अच्छा सा मौका है। यही फर्क है एक बड़े निवेशक और एक आम निवेशक में। बड़ा निवेशक हर गिरावट को, हर करेक्शन को, हर क्रैश को एक अपॉर्चुनिटी लेता है, बट आम निवेशक उससे घबरा जाता है, बाजार से बाहर हो जाता है। तो आपको तय करना है कि आप आम निवेशक की तरह सोचना चाहते हैं या एक बड़े निवेशक की तरह। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।